जनसेवा संयुक्त मोर्चे के द्वारा अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने वालों ने बताया कि शासन प्रशासन के द्वारा भूमाफिया से साठगांठ कर गरीबों के घरों को गिराया जा रहा है। हाल ही में बिल्लाबांग स्कूल संचालक के द्वारा एक पीड़ित परिवार का घर गिरा दिया गया। साथ ही कहा कि रसिया मोहल्ला निराला नगर में कई घरों को गिराया गया, लेकिन उन्हें मुआवजा नहीं मिला और न ही उनके आवास की कोई व्यवस्था की गई। साथ ही संगठन की एक अन्य मांग है कि रीवा महानगर बन रहा है तो फिर लकड़ी, मिट्टी, बांस जैसे अन्य कारोबार करने वालों के लिए अलग स्थान, बाजार उपलब्ध कराया जाए। आइए आपको सुनाते हैं संगठन के लोगों ने और क्या मांग रखी है। बंद करो, बंद करो। सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस बंद करो, बंद करो। अमृता कुशवाहा को न्याय दो, न्याय दो। आउटसोर्सिंग आउटसोर्सिंग व्यवस्था बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। नौकरी में लकड़ी, लोहा, बांस, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले व्यापारियों की बाजार अलग बनाना। बांग स्कूल के संचालक सनी का अगुवानी पर सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस शिक्षकों में पात्र भर्तियों की भर्ती बंद करो, बंद करो, बंद करो। पीछे बन जाए, रुक जी, रुक जी, हम अंदर आए। इस महीने हम लोग का जो प्रमुख ज्ञापन है, मुद्दे हैं, उसमें ये है कि हम देख रहे हैं कि समय जो सरकारी जगह पे अपना आवास बना के किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं, उनका घर उजाड़ा जा रहा है। कुछ तो सरकारी तौर में भी सरकार उजड़वा रही है और कुछ प्राइवेट लोगों के इतनी दबंगई हो चुकी है, इतने दबंग हो चुके हैं कि उन्हें शासन प्रशासन का खौफ नहीं है, वो सीधे जाके घर गिरा देते हैं। तो जैसे बिल्ला बांग के संचालक ने अभी एक कुशवाहा जी का घर गिरा दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और यहाँ रसिया मोहल्ले में घर गिराए जा रहे हैं लोगों के और उनको आवास नहीं दिया जा रहा है। निराला नगर बंसल बस्ती के घर गिरा दिए गए, उनको आवास नहीं दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 5 लाख रुपए लाओ, आवास ले लो। तो उनके पास अगर ये पैसे होते तो वो अपना घर ही क्यों बना लेते। इसके साथ साथ हम लोग एक मांग और इस बार से नई मांग रख रहे हैं कि जो लकड़ी का, जैसे ही कहा जा रहा है कि रीवा महानगर बनने वाला है, तो महानगर बन रहा है तो महानगरों में लकड़ी की मार्केट अलग होती है, लोहे की मार्केट अलग होती है, और जैसे मिट्टी का काम करने वाले लोग होते हैं उनकी बाज़ार अलग होती है बिक्री करने के लिए, और उसका बांस का काम करने वाले लोग उनके लिए अलग मार्केट होती है। हमारे साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कबाड़ का काम करते हैं, उनके लिए कहीं कोई किराए की ज़मीन नहीं दे रहा है, दुकान नहीं दे रहा है। तो इन सब लोगों के लिए अलग अलग मार्केट की व्यवस्था कराएँ और उसके बाद ये जो बड़े बड़े बिल्डर हैं उनको सरकारी स्थान दिया जाए। नहीं तो ये सब जिस तरह से लूट मची हुई है सरकारी स्थानों की, ये गरीबों के लिए कहीं कोई स्थान नहीं बचेगा। हर जगह से ठेला वालों को, व्यापारियों को, रेहड़ी वालों को जिस तरह से भगाया जा रहा है, तो ये अपना जीवन यापन कहाँ करेंगे, अपना व्यापार कहाँ करेंगे। और जितनी भी महत्वपूर्ण सरकारी ज़मीनें हैं वो चली जा रही पुनर्घरीकरण की योजना के अंतर्गत, तो इस योजना को तत्काल बंद कराया जाए और जो पारित भी हो गए हैं उनको बंद, उसको भी कैंसिल करें, निरस्त करें। अस्पताल और प्राइवेट डॉक्टर साथ में बिंद में इतनी बड़ी हॉस्पिटल बनी है संजय गांधी, लगातार भर भर गाड़ियाँ बाहर जाते हैं, मरीज क्या मांगते हैं। अरे यहाँ बस तो इसमें जो है अस्पतालों के जो डॉक्टर है वो निजी प्रैक्टिस में लिप्त रहते हैं और वहाँ अपने जो जूनियर डॉक्टर हैं वो इलाज करते हैं, तो इसलिए यहाँ इलाज हो नहीं पाता। लोग साधारण सा बीमारी लेके जाते हैं और लाश लेके लौटते हैं, तो इलाज हो नहीं पा रहा है तो लोग बाहर निकलते हैं। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है।
कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602888590 पर।